ट्रैवल करना पड़ता है, लोनली ट्रैवल करना पड़ता है, और उस ट्रैवलेज में हम लोगों को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बहुत एक पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने और ये सेफ सिटी अथॉरिटीज़ ने। आज ये सेशन बच्चों ने देखा है, इससे यकीन कीजिए कि ना सिर्फ उनको बल्कि हमें भी बड़ी ढारस हुई है। इस इनिशिएटिव के बाद कम अज़ कम एक वेन्यू उनको मिल गया है जिसके थ्रू वो कोई हेल्प सीक कर सकते हैं। एक ऐप को लॉन्च करना वाकई एक प्रैक्टिकल स्टेप है, तो उसके ऊपर हम उसको मुबारकबाद भी देते हैं। बड़ा बेहतरीन है कि इसको इनकॉर्पोरेट किया हुआ है पुलिस डिपार्टमेंट के जो है क्विक रिस्पांस यूनिट्स के साथ। उनके जो क्वेश्चन थे उससे हमें पता चलता है कि उनकी क्या रिजर्वेशन हैं, उनका क्या सोचते हैं पुलिस के बारे में या एमरजेंसी रिस्पांस के बारे में, उनकी क्या परसेप्शन हैं। हमारी बच्चियाँ जो हैं ये और ज़्यादा अपने आप को सेफ फील करती हैं, और अब ये एम्बेसडर्स हैं, इसको आगे जब बात पहुँचाएगी तो इनकी इंक्लूजन 50% पॉपुलेशन है, इनकी इंक्लूजन जो है हमारी जीडीपी में और हमारी सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज़रूरी है। ख्वातीन का तहफ़ुज़ हमारी हुकूमत और पंजाब पुलिस की अवलीन तरजीह है। इसी तरजीह को मद्देनजर रखते हुए पंजाब पुलिस ने एक वुमन सेफ्टी ऐप को लॉन्च किया है। उस ऐप का एक तरबीती सेशन पंजाब यूनिवर्सिटी के जेंडर स्टडीज़ डिपार्टमेंट में आज मुनक्कद किया गया है। आइए चलते हैं स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर से पूछते हैं ये ऐप उनके लिए कितनी हेल्पफुल है। वेलकम टू द शो। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त MP उस्मा कारदार साहिबा मौजूद हैं। वुमेन सेफ्टी ऐप के हवाले से एक आगाही सेशन था पंजाब यूनिवर्सिटी में, उसमें वो इनवाइटेड थी, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। देखिए, ये जो विमेन प्रोटेक्शन ऐप है जो सेफ सिटी अथॉरिटी ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया है, ये एक बहुत ज़बरदस्त ऐप है जिससे ख़वातीन को सेफ़ और सिक्योर प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस में, चाहे वो कॉलेज जाना हो, यूनिवर्सिटी जानी हो, जॉब पे जाना हो, मार्केट में जाना हो, पार्क्स में जाना हो, तो वहाँ पे उनको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना उनका, कि वो उनको जो स्टेट है, जो पुलिस है, उनको रिस्पोंडेंट को 5 to 10 minutes में अगर वो अलर्ट का बटन प्रेस करते हैं, उनकी लोकेशन भी इस ऐप पे आ जाती है और फौरन पुलिस जो है वहाँ उनको रेस्क्यू के लिए पहुँच जाती है। अब प्रॉब्लम ये थी कि इसकी पब्लिक अवेयरनेस बहुत कम थी, लोगों को पता नहीं था इसके मतलब। तो एज़ एन MPA मैंने एक रेजोल्यूशन दी थी पंजाब असेंबली में कि इसकी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स कराई जाएँ तमाम पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, तो ये उसका इजरा है। हमने इस वक्त तक 5-6 हम यूनिवर्सिटीज़ में ये करवा चुके हैं और इसका सिलसिला आगे चलता रहेगा। हमारी बच्चियाँ जो हैं ये और ज़्यादा अपने आप को सेफ़ फील करती हैं, और अब ये एम्बेसडर्स हैं, इसको आगे जब बात पहुँचाएगी तो इनकी इंक्लूजन 50% पॉपुलेशन है, इनकी इंक्लूजन जो है हमारी GDP में और हमारी सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर पाकिस्तान प्रोग्रेस नहीं कर सकता, और यही इसका मकसद। पंजाब पुलिस की तरफ से जो ऐप लॉन्च की गई है पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के प्लेटफॉर्म से, वुमेन सेफ्टी ऐप, उसके लिए आगाही मुहिम पंजाब यूनिवर्सिटी में की गई थी। जो हमारा लेक्चर डिलीवर किया वो थे SP आसिम जसरा, जो SP ऑपरेशंस कमांडर PPIC3। उनसे पूछते हैं कि कैसा रिस्पांस रहा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसा रिस्पांस रहा? आप हर यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने कितना इसमें इंटरेस्ट लिया वुमेन सेफ्टी ऐप को लेकर? जी तो ये है कि बहुत कम स्टूडेंट्स को पता है कि इस तरह की वुमेन सेफ्टी ऐप लॉन्च की गई है, और उनके फंक्शंस के बारे में हमने बताया, सर्विसेज के बारे में बताया, और ये बताया कि 15 सिंपल कॉल करने में और वुमेन सेफ्टी ऐप के ज़रिए हमें कंटेक्ट करने में क्या फ़र्क है। तो इट वाज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस, और इसका फीडबैक बड़ा अच्छा था, क्योंकि ये इनिशियल स्टेजेस पे है, इसको इनिशियली हम अवेयरनेस दे रहे हैं। तो उनके जो क्वेश्चन थे उससे हमें पता चलता है कि उनकी क्या रिजर्वेशन हैं, उनका क्या सोचते हैं पुलिस के बारे में या एमरजेंसी रिस्पांस के बारे में, उनकी क्या परसेप्शन हैं, वो एक फीडबैक मिलता है, और हमें पता चलता है कि हमें अपने सिस्टम्स को, अपने प्रोसेसेस को बहुत ज़रूरत है इम्प्रूव करने की। पंजाब यूनिवर्सिटी में ये जो ऐप की वुमेन सेफ्टी ऐप की आगाही मुहिम के लिए एक प्रॉपर सेमिनार हुआ, उसमें जहाँ पे लड़कियों ने बड़े शौक से हिस्सा लिया, उसमें शिरकत की लड़के भी कम नहीं थे, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे इस ऐप के हवाले से जो फीमेल्स के लिए लॉन्च की गई है? बेसिकली इसकी जो ज़रूरत है आज से कई साल पहले थी, लेकिन इसमें देर हो गई है, लेकिन ये
बहुत एक पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने और ये सेफ सिटी अथॉरिटीज़ ने, और ये बहुत अहम है। इसको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो लोकल एरियाज़ हैं, मतलब जो अब जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटीज ठीक नहीं है, जैसे चलें शहर के अंदर तो ठीक है, ये हो गया है, बहुत बेहतरीन है, होना चाहिए था इसको, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे अभी भी 2G नेटवर्क आ रहा है, 3G नेटवर्क आ रहा है, 4G नेटवर्क की फैसिलिटी नहीं है, उन जगहों के लिए भी कोई प्रॉपर वे और जो है आगाही मुहिम होनी चाहिए ताकि वहाँ तक लोगों को ये फ़ायदा पहुँचे। और ये बहुत इनिशिएटिव है फीमेल्स के लिए, अब हमें अच्छा फील होगा क्योंकि हमें पता होगा कि हम किसी भी वक्त वहाँ पे उनके लिए पहुँच सकते हैं, वो हमें बता दें ऑन द स्पॉट, हम वहाँ पहुँच सकते हैं, पुलिस पहुँच सकती है, उनके लिए बेहतरीन चीज़ है। आपने इस सेमिनार को अटेंड किया, यू आर नाउ एम्बेसडर, क्या आप इसको आगे प्रोवेल नहीं कर सकती, लोगों को बता नहीं सकती इसके बारे में? यस श्योर, मेरा जो भी विलेज फेलोज़ हैं या मेरी क्लास फेलोज़ हैं, मेरी कॉलेज फेलोज़ हैं, मैं इन सबके साथ ये शेयर करूँगी कि ऑलमोस्ट हम सबको एक ऐसा वक्त आता है कि हमें ट्रैवल करना पड़ता है, लोनली ट्रैवल करना पड़ता है, और उस ट्रैवलेज में हम लोगों को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये नहीं कि अगर अर्बन लेवल में लड़कियाँ अकेले ट्रैवल कर रही हैं तो रूरल एरियाज़ में भी ऐसे मौका आते हैं कि हम लोगों को अपनी, जब हम सिटी में जाते हैं अकेडमीज़ के लिए, वापसी पर हम लोग लोकल ट्रैवल करके ही आते हैं और अंधेरा होता है। इसमें इस तरह ये ऐप जो बहुत हेल्पफुल होगा अगर हमारा पुलिस स्टेशन हमारे पास है या हम टाइम से अप्रोच कर लेते हैं, तो उसमें बाज़ात हमें जब अपने अकेडमिक सेशन ख़त्म करने के बाद आना पड़ता है, हम अकेले ही होते हैं, तो इस तरह बहुत ही सिक्योर फील होगा। तो आपने इस सेशन को शिरकत किया, आपने इसे अटेंड किया, अब आप इसके एम्बेसडर हैं क्योंकि एक अच्छा मैसेज आप तक पहुंचा, आप इस मैसेज को दूसरे स्टूडेंट्स, दूसरे फीमेल्स अपनी सोसाइटी में किस तरह पहुँचाएंगे? ऑब्वियसली मैं इस मैसेज को जो मैंने यहाँ पे एक वर्कशॉप के अंदर मैंने मैसेज हासिल किया उसको मैं आगे पहुँचाऊँगा। सबसे पहली बात कि ये जो वीमेन प्रोटेक्शन ऐप है, इसको सबसे पहली जो बड़ी बात है इसकी कि एक वर्किंग वीमेन या वो वीमेन जो पुलिस स्टेशन को अप्रोच नहीं कर सकती या इस तरह की सिक्योरिटी एक्सेस को नहीं कर सकती, उसके लिए आसान है कि वो घर बैठे हो गया है उसके लिए। और दूसरी बात मैं इसमें एक सजेशन देना चाहूँगा, जहाँ पे रूरल एरियाज़ हैं स्पेशली या कुछ इस तरह के एरियाज़ हैं जहाँ पे इंटरनेट प्रोवाइड नहीं है, वहाँ पे इस तरह का बनाएं मैनुअल सिस्टम के जिसपे एक मैसेज या सिलेक्ट ऑप्शन करने से उनके पास एक पैगाम चला जाए, एक लोकेशन चली जाए, ताकि वो जो है फौरी तौर पे एक्शन लिया जा सके। सेफ सिटी ऐप के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी में जो आगाही सेशन था जहाँ पे स्टूडेंट्स ने बड़ा कीन होकर उसमें शिरकत की, वहीं पे जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, मुतलका फैकल्टी मेंबर्स डिपार्टमेंट के, उन्होंने बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट किया, उस चीज़ को अप्रिशिएट किया। मेरे साथ दो फैकल्टी मेंबर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि सेफ सिटी ऐप के आने के बाद वो कितना फील सेफ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैम यू मे हैव, आपका बहुत लंबा एक कैरियर होगा, आप बीइंग अ टीचर, बीइंग अ लेक्चरर, आपका एक डेजिग्नेशन होगा, आपने अभी तक आपने देखा कि काफ़ी फीमेल्स यहाँ पे आती हैं, इस ऐप के आने के बाद फीमेल्स कितना सेफ कर फील करती हैं, आपसे एक्सप्रेस करती हैं? देखिए जी, अगर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से बात करूँ तो पंजाब यूनिवर्सिटी में सबसे पहले जो मेरिट बच्चे का बनता है ना, हाईएस्ट मार्क्स वाले, वो यहाँ पर आते हैं, उसके बाद बच्चे दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। दूसरी बात यहाँ की यह है कि यहाँ से आने वाले लाहौर के बच्चे ज़्यादा नहीं होते। कौन लोग होते हैं? जो फार्फ्लंग एरिया से आते हैं, जिनका ऑलरेडी इतना एक्सपोजर भी नहीं होता इतनी चीज़ों का, तो जब वो फर्स्ट टाइम लाहौर में आते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में आते हैं, तो उनका एक्सपोजर भी बढ़ता है, लेकिन उसके साथ साथ उनके मसाइल भी उतने ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि पहले वो एक घर में और बड़े प्रोटेक्टिव सी एनवायरनमेंट में रहने के आदी होते हैं, जब यहाँ आते हैं तो उनको इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में अपने आप को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम्स भी काफ़ी होती हैं। होता था, बहुत ही होता आया है, अभी तक होता आया है कि हमारे पास आती हैं बच्चियाँ, आके परेशान होती हैं, रोती हैं, कहती हैं कि माँ बाप को कह नहीं सकते कि हमारे साथ ये मसला है। क्यों? अगर हमने ये बात कह दी तो वो कहेंगे छोड़ के वापस आ जाओ, हमारा मुस्तकबिल दाव पे लग जाएगा, हमारी तालीम वहीं रुक जाएगी। हम उनको नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ अपने सर्वाइवल के लिए भी हमें मुश्किल हो रहा है। कई कोशिशें की जाती थी, कई तरीके से जितने भी हमारे रिसोर्सेज होते थे, हम अपने एज ए टीचर, एज ए मेंटोर उनकी हेल्प करते थे, लेकिन अब जो आज ये सेशन बच्चों ने देखा है, इससे यकीन कीजिए कि ना सिर्फ उनको बल्कि हमें भी बड़ी ढारस हुई है कि आखिर हमारी एक स्टेट लेवल पे कोई तो पॉलिसी बनी, कोई तो उन्होंने रोल अपना इस तरीके का शो किया, और जहाँ पे उन्होंने रियलाइज़ किया है कि वाकई एक बच्ची जो छोटे एरिया से उठ के बड़े एरिया में आती है तालीम के हसूल के लिए, क्या उसको एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रह के अपना अच्छा मुस्तकबिल बनाने का हक पूरा देना चाहिए, या फिर वो यही कि इसकी बात सुन, उसकी बात सुन, और फिर वो वापस चली जाए परेशान होकर। तो आज के सेशन के बाद बच्चे भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हुए हैं, उनको फील हुआ है कि वाकई
हमारे लिए कोई कदम उठाया गया है स्टेट लेवल पे और इसके लिए कोशिशें की जा रही हैं, और जब उनको ऑन बोर्ड लेके उनसे मजीद जैसे ऑन बोर्ड उनको लिया गया, पूछा गया कि बताइए फर्दर आप इसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, क्या इसमें और डाइवर्सिटी आ सकती है, तो एक पैनोरेमिकली उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन दी है अपने आइडियाज़ की और अपने अपने ख्याल के मुताबिक, और उसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया है और उन्होंने कहा है कि हम आइंदा अपने सेशंस में कोशिश करेंगे इसके ऊपर बात भी कर सकें। तो मेरा तो ख्याल है कि अगर ये स्टेप्स उठते रहे तो वो बच्चियां जो सिर्फ अपने एक अच्छे मुस्तकबिल को इसलिए खो देती हैं कि परेशान हो के कि लोगों ने हमें यह कह दिया और वो, और अगर माँ बाप तक बात पहुँची तो उनके साथ क्या हाल होगा, मेरा ख्याल है कि उनकी ज़िंदियाँ संवर जाएंगी अगर वाकई इसको एक रिलीजियसली इसको फॉलो किया जाए, इस एप को और ट्रू सेंस में इसको अप्लाई किया जाए तो बहुत अच्छा। मैम स्टेट की जिम्मेदारी है और स्टेट ऑलरेडी कर भी रही है कि जितनी फीमेल्स उनको तहफ़ दिया जाए, उनको अच्छा फील कराया जाए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के इंस्ट्रक्शंस पे पंजाब पुलिस ने इनिशिएटिव लिया, एक ऐप का लॉन्च किया है, आपने ऐप को देखा वहाँ पर, इसकी सेरेमनी देखी, आप कैसा फील कर रही हैं, आपके क्या तासुरात हैं इस बारे में? सबसे पहले बहुत शुक्रिया। मैं ये समझती हूँ कि इस तरह की टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस जो हैं वो हमारी नेशन और हमारे कौम और हमारे बच्चों को, लड़कों लड़कियों तक जो है वो पहुँचने चाहिए, और इस इनिशिएटिव के बाद कम से कम एक वेन्यू उनको मिल गया है जिसके थ्रू वो कोई हेल्प सीख कर सकते हैं। और चूंकि ये जब हमने सेशन देखा, हमने कंडक्ट किया, तो वहाँ पे लड़के भी मौजूद थे, लड़कियाँ भी मौजूद थीं, तो ये अवेयरनेस जो है वो बोथ वेज गई है, यानी गर्ल्स नो के उनके पास एक सेफ्टी ऐप मौजूद है एंड बॉयज़ नो के देयर इज़ समथिंग दैट एग्जिस्ट ऑलरेडी, तो वो उनको भी अपने बिहेवियर जो है वो मैंट करना है। सो मैं ये समझती हूँ कि ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है पंजाब सेफ्टी अथॉरिटी की तरफ से, और इसकी आउटरीच जो है वो सिर्फ लाहौर तक नहीं बल्कि अदर पंजाब के जो मेगा सिटीज़ हैं, बड़े सिटीज़ हैं, जो कम्प्लेक्स सिटीज़ हैं, वहाँ तक भी होना चाहिए। और चूंकि यू नो ये सारी ये जो फैसिलिटीज़ हैं, ये एमिनिटीज़ टेक्नोलॉजी, इसकी हम ये देखते हैं कि रीच ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ में होती है, तो वो वुमेन स्पेशली जो कि अर्बन एरियाज़ में नहीं, रूरल एरियाज़ में रहती हैं, हाउस होल्ड हैं, नॉन वर्किंग हैं, उन तक भी इन फैसिलिटीज़ को पहुंचना चाहिए। तो अवेयरनेस के जो सेमिनार्स हैं वो ज़्यादा कंडक्ट करें, कम्पेन्स ज़्यादा करें, ताकि ना सिर्फ लाइक एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस बल्कि आम प्लेसेस तक भी ये चीज़ पहुँचे। मेरे साथ इस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर राणा जो चेयरपर्सन है जेंडर स्टडीज़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में, और जो हमारे पास आज सेशन था उसको वो चेयर भी कर रही थी, मौजूद थी यहाँ पे, उनसे बात करते और उनसे पूछते हैं कितना हेल्पफुल रहा ये सेशन। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन था और एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है पंजाब सेफ सिटी का कि उन्होंने ये महसूस किया कि हरासमेंट जो है वो एक सीरियस इशू है, क्योंकि ये बहुत देर से बात हो रही है और बहुत सारी रिसर्च भी इस पर सामने आई हैं कि ख़वातीन जो हैं वो हरासमेंट फेस करती हैं, और सड़कों पे और हर जगह, बसेज में, अभी हमने यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन भी दिया उसको। तो इस मगर इसकी सीरियसनेस को महसूस करते हुए एक ऐप को लॉन्च करना वाकई एक प्रैक्टिकल स्टेप है, तो उसके ऊपर हम उसको मुबारकबाद भी देते हैं। और बहुत अच्छा सेशन उन्होंने हमें बताया कि वो सारा ऐप क्या है, हम कैसे उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। मैम बेहतरी की गुंजाइश हर जगह मौजूद रहती है, क्या समझती हैं कितनी सजेशंस आपकी तरफ से आ सकती हैं और कितनी बेहतरी हो सकती है इसमें? देखिए अभी जो इसमें सेमिनार के दौरान भी ये चीज़ें पॉइंट आउट हुई, एक तो ये कि इसको इसकी वो बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है, मतलब अभी अगर ये लाहौर में है तो इसको हमें डिफरेंट पंजाब के उसमें दायरा कार बढ़ाने की ज़रूरत, बिल्कुल ज़रूरत है इसका स्कोप बढ़ाने। दूसरा ये कि हमारे यहाँ नेट इशूज़ भी बहुत सारे हैं, कनेक्टिविटी का इशू, तो हम ये भी कहेंगे कि ये ऑफलाइन भी इसको देखें, ठीक है। और ये हमें ज़्यादा मालूम पड़ेगा जब ये ऐप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे खवातीन, कि इसमें क्या ट्रबल शूटिंग्स आ रही हैं उनको और कैसे हम उसको एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन इसमें मेरा सजेशन ये होगा कि अवेयरनेस ज़रूरत है, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हमें पता ही नहीं है एक चीज़ अवेलेबल है हमारी सेफ्टी के लिए तो हम उसको कैसे इस्तेमाल करें। तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको इस्तेमाल करें, न्यूज़पेपर्स में आएँ, मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आएँ, सोशल मीडिया पे आएँ, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले, तभी हम इसका इससे मुस्तफ़ीद भी हो सकें। ये नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ जेंडर स्टडीज़ के फैकल्टी मेम्बर मोहम्मद उज़ैर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपने एक पूरा सेशन लिया, आपने उस सेशन को पूरा उसकी एक प्रेजेंटेशन ली, नाउ यू आर द एम्बेसडर, वुमेन सेफ्टी ऐप किस तरह काम करती है, कैसे करती है, आप इस मैसेज को आगे किस तरह पहुँचाएँगे? जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम थैंकफुल टू योर टीम एंड पंजाब सेफ सिटी प्रोजेक्ट एंड सी एम उस्मान बुज़दार एंड इमरान खान पी एम आवर नेशन स्पेशली
क्योंकि ये इंडिविजुअली इस ऐप की बहुत ज़्यादा जो करंट इरा था जिसमें जेंडर बेस्ड वायलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है उसमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो पंजाब पुलिस ने और अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मिलकर ये जो ऐप इंट्रोड्यूस करवाई है, इसकी लॉन्चिंग की है, तो ये बहुत गुड इनिशिएटिव है। ये इससे जो है हमारी ख़वातीन बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करेंगी क्योंकि उनको स्ट्रीट हैरेसमेंट बहुत फेस करना पड़ती थी, वर्क प्लेस हैरेसमेंट होती थी, कहीं पर जाती थी अनड्यू वॉन्टेड फेवर्स के लिए तो उन्हें यानी कि जॉब का झांसा दे के उन्हें बुला लिया जाता था और वहाँ पे उनको ट्रैप किया जाता था। अब वो ट्रैप करना उनके लिए आसान नहीं रहेगा क्योंकि ये ऐप जो है बड़ी हेल्पफुल है कि उसकी जो है एप्लीकेबल जो है वो सिंगल क्लिप पर है कि जस्ट आप जो है उसको ऐप को इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि वहाँ बैठे ही आपकी ट्रेनिंग वर्कशॉप के दौरान ही मैंने ये ऐप इंस्टॉल की अपने मोबाइल में, तो उसको मैंने टेस्टिफाई किया, तो उस टेस्टिफाई में आप देखते हैं कि वहाँ पे मॉड्यूल दिए हुए डिफरेंट ऑप्शंस हैं, सबसे मेन ऑप्शन 1.5 और ये जो बड़े बेहतरीन है कि इसको इनकॉर्पोरेट किया हुआ है पुलिस डिपार्टमेंट के जो है क्विक रिस्पॉन्स यूनिट्स के साथ कि वो 1.5 पर जब आप देते हैं और साथ जो एक मुझे जो एक आईटी इसमें पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने बहुत अहम रोल प्ले किया कि जो उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया कि आप उसका एक सेकंड नंबर दे सकते हैं कि अपने फैमिली मेंबर का या अपने फ्रेंड का सिस्टर का जो आपका उसके पुलिस के साथ साथ उसको भी आपकी लोकेशन और अलर्ट जाए तो उससे वो आप पुलिस डिपार्टमेंट को सर्विलेंस करना बहुत आसान रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि तमाम जितनी हमारी सिस्टर्स हैं, हमारी जो ख्वातीन बहनें औरतें जो बाहर निकलती हैं, मोबिलिटी है, स्मार्टफोन जिनके पास है वो iOS है या एंड्रॉयड है, तो उसमें ये अपने मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उससे जो है अपना पुलिस डिपार्टमेंट के इस जो इनिशिएटिव है उसको सपोर्ट करें, बल्कि माउथ टू माउथ इसकी अवेयरनेस कैंपेन करें क्योंकि सबसे ज़्यादा इसकी यूटिलाइजेशन है कि हम किस तरह इसको एप्लीकेबल बनाते हैं, इस ऐप को कितने अच्छे से हम जो है इसको यूज़ करते हैं। अगर सही यूज़ करेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे तो ही इसका फ़ायदा है। और मैं एक सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एज अ मेल, ठीक है, कि हमें खुद भी बाय नेचर हमें अपने माइंड सेट को चेंज करने की ज़रूरत है, पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर से बाहर जाने की ज़रूरत है, कि हमें अपनी औरतों को ख़वातीन को तहफ़ देने की ज़रूरत है। अगर हम खुद भी अगर ऐसा कुछ देखते हैं, कोई हरेसमेंट कर रहा है, तो हम उसको फ्रंट लाइन पर आके एज अ मेल जो है उसकी अपनी बहन की जिस तरह हिफाजत करते हैं, दूसरी की बहन को भी अपना बहन समझ के उसकी हिफाजत करें। तो सेकेंडली जो है जो रॉन्ग कॉल्स वाले काइंडली खुदारा कोई भी जो अगर इस ऐप को इंस्टॉल करता है तो उससे उनको फीडबैक गलत ना दें क्योंकि असल जो एक्चुअल डिजर्विंग सिचुएशन होगी, क्योंकि इसमें हमारी पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत ज़्यादा और आईटी टीम जो उनके काम कर रही होती है उनकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लोकेट करना और उस IME नंबर पर पहुँचना, उसको सर्विलेंस करना, उनकी बहुत सारी टीम्स की एफर्ट होती है। तो ये जो फेक कॉल्स या फेक अलर्ट पे उनको दे के, तो वो डिजर्विंग ये ना हो कि वो फेक के पीछे अपनी सर्विलेंस लगाई रखें और असल जो हकदार जो बेचारी बच्ची थी जिसके साथ कोई रेप होने वाला था तो उसको बचा लेते तो इस वजह से वो रेप का शिकार हो जाए। तो रेप विक्टम्स को बचाने के लिए और ऐसे काम को किडनैपिंग को बचाने के लिए खुदारा फेक कॉल्स ना करें, बल्कि प्रॉपर जो है उसको आपके जब ज़रूरत है ज़रूरत के वक्त उसको यूटिलाइजेशन बनाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, सोशल मीडिया पर इसकी कंपेन चलाएं, लोगों को अवेयर करें, ख़वातीन को बचाएं, अपनी बेटियों को बच्चियों के मोबाइल में खुद से ये ऐप इंस्टॉल करके उन्हें बताएं, इसके फ़ीचर्स के बारे में बताएं कि ताकि वो उसको यूज़ कर सके। और एक और बहुत अच्छी मुझे इसकी ऐप की फ़ीचर लगी कि इसमें उन्होंने सेफ्टी के साथ साथ उन्होंने ख़वातीन के राइट्स के ऊपर भी बात की है कि उसमें उन्होंने ख़वातीन के जो उनके सेल्फ राइट्स हैं एज ए ह्यूमन राइट और वीमेन राइट्स जो हैं उसके बारे में उन्होंने उसके डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं कि वीमेन सेफ्टी क्या है, हैरेसमेंट क्या है, किसे कहते हैं हैरेसमेंट, क्या चीज़ें। वो बैठी ट्रेनिंग वर्कशॉप में जो सेशन था उसमें मैंने आपकी ऐप को देखा तो मुझे ये फ़ीचर बड़े पसंद आए और मैं आपकी जो टीम है PSCA उससे पंजाब सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है उसके तवस्त से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बल्कि रिकमेंडेशन देना चाहूँगा कि इसमें दो चीज़ें करने की ज़रूरत है जो हमारी जो आवाम है, जो आम आवाम पब्लिक जो है, ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट तो पब्लिक जो उसकी जो है अपना उसकी डीलिंग के लिए आपने ऐप बनाई है G2C पर्पज़ के लिए, ठीक है, सिटीजन पोर्टल के लिए, तो उसके सिटीजन के लिए एक तो इसके इनकॉर्पोरेट करें ऑफलाइन सर्विस पर कि अगर किसी के पास नेट नहीं भी है तो इस ऐप के ऊपर 1.5 पर क्लिक करता है तो आपको उसका मैसेज चले जाए ताकि आप उसके सर्विलेंस कर सकें। और दूसरा मैं ये है कि सेफ सिटी वालों के वो ज़रूर इसके ऊपर सोचें, रीथिंक करें अपनी IT टीम के साथ और अपने बॉस जो है उनके हायरार्की में CM उस्मान गुजार साहब के साथ, बल्कि इमरान खान साहब के साथ इसको मीटिंग करें और इसको पूरे पाकिस्तान से, पंजाब से इसको पूरे पाकिस्तान तक लेके जाएं, क्योंकि हैरेसमेंट या ये सारे मसाइल जो हैं सिर्फ पंजाब की हद तक नहीं है या लाहौर की हद तक नहीं है, ये बाकी अजला में भी हैं, बाकी शहरों में भी हैं, बाकी सूबों में भी हैं, कोयटा में भी है, पेशावर में भी इशू है, कराची में भी है, हैदराबाद में भी है, गिलगत में भी है। तो इस प्रोजेक्ट को इन्हेंस करें
ये जो वुमेन सेफ्टी ऐप है इसको जो है तमाम जितने जो है पाकिस्तान के पंजाब के अलावा जितने भी प्रोवेंशनल पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ इनकॉर्पोरेट करके इसकी और इसको स्ट्रक्चर को एक्सपेंड किया जाए और स्कोप बढ़ा किया जाए और इसको स्कोप बढ़ा किया जाए क्योंकि वर्टिकली क्योंकि आपके पास डाटा बेस सेंट्रलाइज आप कर रहे हैं जब आपने बहुत इनिशिएटिव किया कि जो है क्राइम डाटा सीन जो है उसका डेटाबेस आप बना रहे हैं तो उसमें तमाम फोरेंसिक्स को आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं एक जगह पर सेंट्रलाइज कर रहे हैं तो उसमें अब ये भी जब उसको लॉन्चिंग कर देंगे एक्सपेंड कर लेंगे जाहिर सी बात है इनिशिएटिव लेना और ये काम जो आईटी का इतना आसान तो नहीं है लेकिन एक एज अ वुमेन और एज अ जो नेशन जो है मैं अपना जो उसका रिप्रेजेंटेटिव हूँ अवाम का तो मैं जो है अपनी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपको कि इसको ज़रा सोचें और इसके ऊपर काम करें। प्रोग्राम के एंड पे सिर्फ एक मैसेज है जिस तरह हर फैकल्टी मेंबर ने हर स्टूडेंट ने कहा कि वी आर द एम्बेसडर्स हम लोगों को बताएंगे कि वुमेन सेफ्टी ऐप क्या है। आपने पूरा प्रोग्राम देखा है आप भी अब इसके एम्बेसडर हैं आप पर फ़र्ज़ है कि आप अपनी माओ बहनों के मोबाइल्स में से इंस्टॉल करें बल्कि दूसरों को भी बताएं ताकि वो अपनी माओ बहनों के मोबाइल में से इंस्टॉल करें लोगों को पता लग सके। मुझे उमर बख्त को पुलिस लॉग के साथ इजाज़त दीजिए अल्लाह ने गवाह।